हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम यूपी ट्रिपल एससी जेई सिविल 2015 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट वन डिस्कस किया है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक क्वेश्चन सॉल्व करे थे। ये पार्ट टू है। अगर आप पार्ट वन देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। द विड्थ ऑफ रिब इन ए टी बीम शुड एट लीस्ट बी इक्वल टू डैश टाइम्स द डेप्थ। ठीक है, तो इसका एक्चुअल में आईएस कोड क्या कहता है, जो विड्थ ऑफ रिब होगी वो होनी चाहिए 1/2 to 2/3 होनी चाहिए डेप्थ की। बट एसएससी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन मानता है, वो मानता है 1/3 को। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अगर हम एसएससी इसको सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज़ 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एक्सप्रेस एट द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज ए 1/25, बी 1/20, सी 1/15 और डी इज 1/10। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हम जानते हैं 10% होती है किसकी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, डी, दैट इज 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर ए डेड लोड ऑफ स्ट्रक्चर इज रिड्यूस्ड, बी क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट इज अवॉइडेड, सी द कॉस्ट ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन इज रिड्यूस्ड और डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर की ये तीनों ही क्या है, एडवांटेजेस है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सिग्मा एस इज द स्ट्रेस इन बार एंड टाउ वी डी इज द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, देन द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ ए बार ऑफ डायमीटर फाइ इज गिवन बाय ए 4/5 σs/tau bd, बी 5 σs/4 × tau bd, सी 2/5 σs/3 tau bd और डी इज 5 σs/3 tau bd। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, दैट इज 5 σs/4 × tau bd। इसकी छोटी सी एक डेरिवेशन है, अगर आप बोलोगे तो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द डिज़ाइन ऑफ ए टू वे स्लैब रिस्ट्रेंड एट ऑल एजेस टॉर्शनल रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड इज ए 0.375 times द एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इन शॉर्टर स्पैन, बी 0.375 times the area of steel provided at mid span in the same direction, सी 0.75 times the area of steel provided at the mid span in the same direction, और डी इज none of the above। तो देखो, वो बोल रहा है टू वे स्लैब है, रिस्ट्रेंड है क्या ऑल एजेस पे, और पूछ क्या रहा है वो टॉर्शनल रिइंफोर्समेंट कितनी हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो टू वे स्लैब के लिए हम टॉर्शनल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं 75% किसकी, जितनी हम मिड स्पैन पे प्रोवाइड करेंगे उसका 75% ही प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन डबल रिइंफोर्स सेक्शन द टोटल रिइंफोर्समेंट परसेंटेज शुड नॉट एक्सीड ए 4%, बी 6%, सी 8% और डी 10%। ठीक है, अब देखो मेन इसमें क्या हाईलाइटेड है, टोटल रिइंफोर्समेंट परसेंटेज कितनी पूछ रहा है वो, टोटल कितनी होनी चाहिए। अगर नॉर्मल बीम होता है तो हम कितनी लेते हैं, 4% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। बट ये क्या है, डबली रिइंफोर्स है, डबली रिइंफोर्स दैट इज हमें क्या करेंगे, कंप्रेशन में भी 4% और टेंशन में भी 4% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, दैट इज 8। ठीक है, ऊपर वाले का भी क्या था, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 37। अ रिइंफोर्स कंक्रीट बीम सपोर्टेड ऑन कॉलम एट ईच एंड हैज ए क्लियर स्पैन 5 meters एंड 0.5 meters क्या है, इफेक्टिव डेप्थ। इट कैरीज अ टोटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 100 kN/m। द डिज़ाइन शेयर फोर्स फॉर द बीम इज, ठीक है, अब देखो डिज़ाइन शेयर फोर्स का एक फॉर्मूला है हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, क्या होता है, V क्या होता है, W इंटू L इफेक्टिव बाय 2। अब L इफेक्टिव की बात आती है, L इफेक्टिव सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए तो दो कंडीशन होती है। ठीक है, क्या, एक तो क्लियर स्पैन प्लस डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बियरिंग, ठीक है, वो होगा, या फिर L क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। इन दोनों ही कंडीशन में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो हम लेते हैं इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, तो इधर क्या दे रखा है, 100 kW दे रखा है हमें, दैट इज़
100 इंटू एल इफेक्टिव के लिए क्या 5 + 0.5, क्योंकि इधर क्या है सेंटर ऑफ बेयरिंग की तो कोई बात ही नहीं दे रखी इसने, तो हमें सिर्फ एक से ही एक ही कंडीशन से काम चलाना पड़ेगा, तो हम ले लेंगे 5.5/2। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कुछ निकल के आएगा 275 समथिंग किलो न्यूटन, 275 ही निकल के आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है 275 का, तो नियरेस्ट ऑप्शन क्या ले लेंगे हम, ए, दैट इज़ 250 किलो न्यूटन। नेक्स्ट, द टर्म करेक्टरिस्टिक लोड मीन्स दैट द लोड विच हैज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर इज इक्वल टू ए 90%, बी 95%, सी 99% और डी 100%। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बी दैट इज 95% लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्चर एज पर IS 456 इज ए 0.6 अंडर रूट एफ सी के, बी 0.7 अंडर रूट ऑफ एफ सी के, सी 0.75 अंडर रूट ऑफ एफ सी के और डी इज 0.9 अंडर रूट ऑफ एफ सी के। अगेन क्वाइट ईजी क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या लेते हैं हम, टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लेते हैं 0.7 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ सी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ स्लैब स्पैनिंग इन टू डायरेक्शंस द रेशियो ऑफ स्पैन टू डेप्थ ऑफ स्लैब शुड नॉट एक्सीड ए 10, बी 20, सी 35 और बी डी इज 50। तो देखो अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, स्लैब क्या है स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन। ठीक है, टू डायरेक्शन दैट इज़ टू वे स्लैब की बात कर रहा है, वन वे स्लैब की बात नहीं कर रहा। ठीक है, टू वे स्लैब की बात कर रहा है, तो उसके लिए हम लेते हैं 35 फॉर माइल्ड स्टील। ठीक है, नेक्स्ट 41, ए मेसनरी डैम मे फेल ड्यू टू ए टेंशन इन मेसनरी ऑफ द डैम एंड इट्स बेस, बी ओवर टर्निंग ऑफ द डैम, सी क्रशिंग ऑफ मेसनरी एट द बेस ऑफ द डैम और डी इज एनी ऑफ द अबव। ठीक है, तो मेसनरी डैम इन तीनों ही कंडीशन में से किसी से भी फेल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेंशन बार इन ए कैंटिलीवर बीम मस्ट बी एनक्लोज्ड इन द सपोर्ट अप टू ए LD+10D, बी LD/3, सी 12 टाइम्स ऑफ मेन डाया और डी इज डी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12 टाइम्स ऑफ मेन डाया ऑफ बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर फील्ड रिवेट्स द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट एंड बोल्ट्स एज गिवन इन IS कोड्स आर रिड्यूस्ड बाय ए 5%, बी 10%, सी 15% और डी 20%। तो फील्ड रिवेट के लिए हम 10% क्या होता है रिड्यूस कर देते हैं एज कंपेयर टू किसके, पावर ड्रिवन शॉप रिवेट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेट आर जनरली स्पेसिफाइड बाय ए शेप, बी डायमीटर ऑफ हेड, सी ओवरऑल लेंथ और डी इज शैंक डायमीटर। अगेन क्वाइट इजी क्वेश्चन, स्टील का है, डी दैट इज शैंक डायमीटर से हम रिवेट को स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमेन इज ए 1.78, बी 1.09, सी 1.30 और डी 0.85। तो एक्चुअल में तो इसका करेक्ट ऑप्शन कोई भी नहीं है, बट जो SSC मानता है वो 1.09 को मानता है। अगेन ठीक है, एक्चुअल में इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बिटुमेन की होती है 0.972-1.02। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेपरेशन ऑफ वाटर सैंड सीमेंट फ्रॉम फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट इज कॉल्ड ए ब्लीडिंग, बी क्रीपिंग, सी सेग्रीगेशन और डी इज फ्लडिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हम जानते हैं, सी दैट इज सेग्रीगेशन। ब्लीडिंग हम तब कहते हैं जब सिर्फ वाटर सेपरेट हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, POP इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिन ए बॉक्साइट, बी जिप्सम, सी कंकर और डी लाइमस्टोन। तो POP हम जानते हैं किससे बनता है, जिप्सम के कैल्सिनेशन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लिंथ एरिया रेट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इधर, फर्स्ट एंड थर्ड फ्लोर। ठीक है, इसको हाईलाइट करो, फर्स्ट एंड थर्ड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग एज पर UPPWD हैज़ फॉलोइंग रिलेशनशिप, ए रेट फॉर फर्स्ट फ्लोर इज हायर देन रेट फॉर थर्ड फ्लोर, बी रेट फॉर फर्स्ट फ्लोर इज लेसर देन रेट फॉर थर्ड फ्लोर, सी बोथ रेट्स आर सेम और डी नन ऑफ द अबव। तो देखो
इसका मेन कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या अगर ग्राउंड फ्लोर है तब क्या होगा, रेट ज़्यादा होगा, और अगर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड सो ऑन, तो रेट क्या रहेगा, सेम, ठीक है। और अगर कहीं टेरेस की बात हुई, टेरेस में क्या होगा, रेट क्या होगा, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से तो कम होगा, सबसे कम होगा, रेट क्या होगा, सबसे कम होगा, दैट इज़ ग्राउंड फ्लोर से भी कम होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ इतनी ही इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑर्डर ऑफ बुकिंग डायमेंशन इन स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक इज ए लेंथ विथ हाइट, बी विथ लेंथ हाइट, सी हाइट विथ लेंथ, और डी इज हाइट लेंथ विथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, दैट इज लेंथ विथ और हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ पेंट ऑन बोथ साइड ऑफ फ्लश डोर, इम्पॉर्टेंट क्या है, किसकी बात कर रहा है, फ्लश डोर की, आउटर डायमेंशन ऑफ डोर इज मल्टीप्लाइड बाय ए 1.25, बी 2.25, सी 1 और डी 2। तो इसका एक्चुअल में करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.2 से, ठीक है, बट इधर क्या है, ऑप्शन कोई नहीं है, 1.2 दे ही नहीं रखा है, 1.2, तो हम क्या करेंगे, नियरेस्ट ऑप्शन क्या है, 1.25 को करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक इज ए 10:10:9, सी 19:9:9 सेंटीमीटर, डी सी इज 22.5:10:8.5 सेंटीमीटर, और डी इज 22.5:8:9 सेंटीमीटर। तो मॉड्यूलर ब्रिक हम जानते हैं 19:9:9 सेंटीमीटर का साइज होता है। नेक्स्ट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डीपीसी इज ए क्यूबिक मीटर, सी स्क्वायर मीटर, सी मीटर, और डी इज केजी। बहुत ही बार रिपीट हुआ है एसएससी में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोडाइट मेजर्स ए हॉरिजॉन्टल एंगल ओनली, बी वर्टिकल एंगल ओनली, सी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, और डी इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, थियोडाइट से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही एंगल मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सीरीज ऑफ क्लोज कंटूअर हैविंग हायर कंटूअर वैल्यूज इनसाइड रिप्रेजेंट्स ए फ्लैट प्लेन, बी वैली, सी हिल, और डी इज लेक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या, जब हायर वैल्यूज क्या हो, इनसाइड हो, हायर वैल्यूज क्या हो, इनसाइड हो, तो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, हिल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। बट अगर हायर वैल्यूज क्या है, आउटसाइड है, दिस इज एच, ठीक है, हायर वैल्यूज क्या है, आउटसाइड है, और जो कम वैल्यूज है वो इनसाइड है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है हमें, वैली। डन। नेक्स्ट देखते हैं, 55 ए एलिडेड इज यूज्ड इन बी ए, ए ऑप्शन है चेन सर्वेइंग, बी लेवलिंग, सी प्लेन टेबल सर्वेइंग, और डी इज कंपास सर्वेइंग। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या एलिडेड को हम प्लेन टेबल सर्वेइंग के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट चेन लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्वे एरिया इज नोन एज ए बेस लाइन, बी टाई लाइन, सी चेक लाइन, और डी नन ऑफ द अबव। तो लॉन्गेस्ट चेन लाइन कौन सी होती है, बेस लाइन, ठीक है। टाई लाइन क्या होती है, दो स्टेशन को आपस में ज्वाइन करने के लिए टाई लाइन को यूज़ होता है। सी चेक लाइन क्या होती है, चेक लाइन बेसिकली एक्यूरेसी ऑफ सर्वे वर्क को चेक करने के लिए हम देखते हैं, चेक लाइन का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड इज कॉल्ड, अगेन क्वाइट ईजी, और बहुत बार रिपीट हुआ है एसएससी में भी और डिफरेंट जेई एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। ए जियोडेटिक सर्वेइंग, बी प्लेन सर्वेइंग, सी जियोग्राफिकल सर्वेइंग, और डी इज लैंड सर्वेइंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जियोडेटिक सर्वेइंग।